आईपीएल की टीम केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर को राजस्थान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों बुरी खबर सामने आई है, हार के बाद श्रेयस अय्यर को बुरी खबर मिली। उनके चाचा का निधन हो चुका है जिनका नाम था मंतोष अय्यर। दोस्तों मंतोष अय्यर की अर्थी उनकी लड़की ने खुद अपने कंधों पे उठाई और उठाकर ले गई। दोस्तों श्रेयस अय्यर कंधा देने तक नहीं पहुंच पाए अपने चाचा की अर्थी को। दोस्तों आप भी जानना चाहते हो आखिरकार कैसे इनका निधन हुआ, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक मुकाबला खेला गया था केकेआर और राजस्थान के बीच में, जिसमें राजस्थान की ओर से जोश बटलर ने 103 रन की पारी खेली। उसके बाद दोस्तों केकेआर की टीम इस मुकाबले को लगभग जीत गया था, मगर 17 ओवर में आकर के यजमंद्र चहल ने 4 विकेट चटका दिए और हारे हुए मुकाबले को जिता दिया राजस्थान को। दोस्तों हार के बाद केकेआर की टीम वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थी कि केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर को एक और बुरी खबर मिली। दोस्तों उनके चाचा जिनका नाम था मंतोष अय्यर, दोस्तों मंतोष अय्यर का निधन हो गया। दोस्तों उनकी जो अर्थी थी उनकी चाचा की लड़की ने उठाई। आज से लगभग 15 दिन पहले श्रेयस अय्यर के पिता भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। दोस्तों श्रेयस अय्यर को फिलहाल एक से बढ़कर एक बुरी खबर मिल रही है। दोस्तों इनकी चाचा की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखना बिल्कुल ना भूलें।